फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एग करी, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टाइल में। आपको इंग्रीडियंट दिखाता हूँ उनके क्या क्या है। सबसे पहले हमने लिए है 4-5 प्याज लिए हैं, 4 टमाटो लिए हैं, टमाटर और कुछ कूटी हुई काली मिर्च, एक मैगी मसाला और बाकी नून और मिर्च जो हम नॉर्मल डालते हैं, और अंडे लिए हैं हमने। चलो करते हैं फिर स्टार्ट। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल ले लेना है, तेल जा कि आप कुछ भी ले सकते हो। उसको थोड़ा गर्म होने देना है, चेक कर सकते हो आप, इसके गर्म हो गया। उसके बाद हमने थोड़ा सा जीरा डाल देना है उसमें, जो जीरा कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डालिए, थोड़ा सा हिला लेंगे। अभी हमारा तेल पूरा हो चुका है गर्म, तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप करछी से इनको ऐसे उठा के इसमें डाल देंगे, इससे छिट्टे नहीं पड़ेंगे आपके साथ। जब थोड़े डल गए उसके बाद आप पूरे को भी डाल सकते हैं इसमें। इनको अच्छी तरह से हिला लें, साथ साथ ऐसे हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं। देखिए प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन होने लग गए हैं, ऐसे प्याज पतली नहीं है, आपने काट के डालने हैं, आप इसे मैश करके भी डाल सकते हो। खड़े प्याज का पर अलग ही स्वाद है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, इनको हिला लेंगे अच्छे से। जब तक ये मिक्स हो रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो आती रहे। इसमें डालेंगे कूटी हुई हमारी काली मिर्च, जिस स्वाद अनुसार डालनी है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, दो से ढाई चम्मच डाल सकते हो आप स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च डाल देनी हमें, जो हम 1.5 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद गरम मसाला थोड़ा सा, लास्ट में हम डाल देंगे इसमें मैगी मसाला। और इसे हम डालेंगे अच्छे से, तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। इनको थोड़ा सा हम ऐसे अच्छे से मिला के इनको ऐसे छोड़ देंगे। देखिए जो अब हमारी ग्रेवी है जो तैयार होने लग गई है, अब हमने इसमें 4 अंडे मैश करने हैं। कर लेंगे, इससे जो ग्रेवी है हमारी थिक हो जाएगी। अंडों को मैश करके
इनको हम ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। जो हमारी ये ग्रेवी काफी गाढ़ी हो चुकी है, तो हम इसमें ऐड करेंगे, अभी हम इसमें ऐड करेंगे बटर, पानी पालेंगे इसमें, ये हमारी अब ग्रेवी तैयार होगी। हमने इसमें अंडे मैश करके डाले हैं, अब हम इसमें जो कटे हुए अंडे डालेंगे हम इसमें ऐड करेंगे। आप इन अंडों को पहले तवे पे भी फ्राई कर सकते हो, उससे भी टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है, पर हम तो ऐसे डाल रहे हैं क्योंकि हम सिंपल स्टाइल में बना रहे हैं ना अभी, तो सिंपल स्टाइल में हम सब कुछ ऐसे नॉर्मल, कुछ ज़्यादा ओवर करेंगे नहीं, नॉर्मल स्टाइल में रखेंगे। बाकी हमने ऐसे कर दिए हैं, अब हम इसे थोड़ा टाइम पकाएंगे और फिर बाद में देखिए बंद कर देंगे। देखिए क्या रंग है इसका, और ये ग्रेवी भी इतनी अच्छी बनी है, ठीक बनी है। हमारी अभी जो करी हो गई है तैयार, अब हम कर देंगे गैस को बंद, गैस को बंद करके इसे थोड़ा टाइम ढक देंगे। पूरी अच्छी तरह से तरीके हो गई है, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।